दोस्तों, रिलायंस जियो को काउंटर करने के लिए बीएसएनएल एक नया प्लान लेकर आया है और यह आपका 339 रुपए का प्लान है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स के साथ में आपको जो है कि अनलिमिटेड इंटरनेट भी मिलेगा और इसमें आपको महीने का 56 GB का डेटा मिलेगा, जो 2 GB डेली का आपको डेटा मिलेगा। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड कॉल्स होगी वो बीएसएनएल ऑन नेट पे होगी, ऑफ नेट पे नहीं। इसका मतलब यह है कि बीएसएनएल के अलावा अगर किसी दूसरे नेटवर्क पे कॉल करेंगे तो आप सिर्फ 25 मिनट आपको पर डे का ही मिलेगा। अगर आप डेली 25 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो आपको जो है कि चार्ज देना पड़ेगा और ये चार्ज होगा आपका 25 पैसा पर मिनट का। तो दोस्तों, बीएसएनएल बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आया है, लेकिन अगर जियो से तुलना करें हम तो अभी भी जियो जो है कि आपका डेली भले 1 GB दे रहा है, लेकिन जियो का जो डेटा है वो 4G है और बीएसएनएल यहाँ पे आपको 3G डेटा ही दे रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने अगर बीएसएनएल यूज़ किया होगा तो बीएसएनएल जहाँ पे नेटवर्क फुल रहता है वहाँ पे तो अच्छा चलता है, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क कम रहता है वहाँ पे ठीक से नहीं चलता है। लेकिन अगर हम जियो की बात करें, जियो जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी नेटवर्क आ जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है जियो। तो अगर इस प्लान से अगर तुलना करें, जियो इस प्लान का अगर जियो से तुलना करें तो जियो अभी भी बेहतर है, क्योंकि जियो में आपको 2 से 5, सुबह के 2 से 5 में अनलिमिटेड डेटा भी मिलता है और आपका जो कॉलिंग है वो अनलिमिटेड है, चाहे आप लोकल करें या एसटीडी करें। तो अगर आप बीएसएनएल यूज करना चाहते हैं तो आप जो है कि 339 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको बीएसएनएल टू बीएसएनएल अनलिमिटेड मिलेगा। लेकिन आप बीएसएनएल टू अदर पे करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बीएसएनएल यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी तक जियो बेस्ट है। थोड़ा सा जियो में नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं तो बाकी सब आप जियो में जो कॉल ड्रॉप है वो जियो में कॉल ड्रॉप भी अब बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही खबरों के लिए धन्यवाद।